सही आपने कहा है कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, ये आपके लिए है। क्योंकि आप जैसे लोग अगर सरकार में बैठे हुए हैं और प्राइवेट संस्था अगर इस तरीके से यहाँ आके काम कर रही है, तो ये मुझे लगता है कि सरकारी अस्पताल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तरीके से आके हमारे यहाँ काम करे। कहीं ना कहीं हमारे कमी है, और उस कमी को देखना निश्चित रूप से आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर है ही हैं। इनका मुझे लगता है कि 5 दशक से ये इस क्षेत्र में है, और PMCH में भी ये काफी समय तक वहां पे डॉक्टर थे, सर्जन थे, और वहां की व्यवस्था से ये वाकिफ है। तो उनसे एक सवाल है कि वहां की व्यवस्था में भी उन्होंने काम किया है और आज कॉरपोरेट में ये काम कर रहे हैं, कभी इनका दिल लगा ये कहते हुए, या उनके दिल में ये प्रश्न आया कि सरकार को मैं एक आवाज दूं कि वहां की जो इतनी खराब व्यवस्था है, कि क्या इनका प्रयास रहा है कभी कि सरकार को कभी अपने यहाँ के जो हॉस्पिटल्स की कमियां हैं उसके बारे में बताएं, और जो सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए उसके बारे में उनको पॉइंट आउट करें। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम खुर्शीद को और एडवांटेज वालों को मुबारकबाद दें, 25 साल पूरे हुए, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि करीब करीब 25 साल से हम भी उनके साथ हैं और उनके साथ हम कदम में कदम मिलाकर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपका सवाल है मैडम, हमारे फादर भी प्रोफेसर मेडिसिन थे पटना मेडिकल कॉलेज में, और उस जमाने में एक बहुत, सुशील मोदी को याद होगा, एक बहुत बड़े नेता थे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, सुनील मुखर्जी। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो सरकार ने कमेटी बनाई, सुशील मुखर्जी डॉक्टर हाई कमेटी, कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों को, खास तौर पर PMCH को बढ़ाया जाए। फादर गुजरे हुए बहुत साल हो गए, जब हमने ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, तो एक कमेटी बनी हाउ टू इम्प्रूव PMCH। हमें रिटायर किए हुए भी अब 10 साल ज्यादा हो गए हैं। हम जब बने तो हम प्रोफेसर लाला सुरेंद्र प्रसाद गोपाल, गोपाल हमारे साथी, गोपाल प्रसन्ना, एक कमेटी बनी हाउ टू इम्प्रूव PMCH। मैडम, ये कमेटियां बनती हैं पता नहीं किसको खुश करने के लिए, अस्पताल को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनती। वो